आप उससे प्यार करते हो ये तो सबको पता है, शायद वो भी जानती है, लेकिन सदमा या फिर डाउट तो इस बात का है कि वो आपको प्यार करती है या नहीं। सोचते हो प्रपोज करूँ या फिर जाके पूछो तो वो जवाब नहीं देगी, तो कैसे आप जान सकते हो कि वो भी आपको प्यार करती है बिना कहे। चलो आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। और हेलो दोस्तों, मैं हूँ मेघा, इस सैंपल लव और रिलेशनशिप के वीडियोस आप सबके लिए लेकर आती हूँ। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो वीडियो चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं कि कैसे जान सकते हो कि वो आपको पसंद करती है या नहीं। दोस्तों नंबर वन चीज़, देखो कुछ कुछ चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स मैं अभी बताऊंगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ पॉइंट्स ना सिर्फ फ्रेंड्स के लिए भी लागू हो। तो सिर्फ एक पॉइंट या दो पॉइंट अगर ऐसा होता है कि मैच करता है तो ये मत गारंटी ले लो कि वो पसंद करती है, हो सकता है वो आपको एज ए फ्रेंड मानती है, ठीक है। तो नंबर वन चीज़, वो आपको अपनी हर बात कहती है, ठीक है। आप देखो कि उसके लाइफ की हर छोटी मोटी बातें आपको पता है या नहीं, वो आज क्या की, वो आज कहाँ गई, वो कल किसके साथ जाएगी, उसके घर पे क्या हो रहा है, ये सारी बातें आपको पता है या नहीं। वो अगर सारी बातें आपको बता रही है तो हो सकता है कि वो आपको लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पर्सन मानती है। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है ना कि वो आपको फ्रेंड भी मानती है। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि एक पॉइंट नहीं, और भी बात सुन लो। नंबर दूसरा चीज़, वो अपने लाइक्स के बारे में आपको बताती है कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, या फिर आप वो आपको ये भी बताती है कि मुझे इस तरह के लड़के पसंद है। ये भी एक हिंट हो सकता है कि वो आपको पसंद करती है, इसलिए वो अपने लाइक्स और बिना लाइक्स आपको बताती है। नंबर तीसरा, कभी कभी वो आपको जेलस भी करवाती है, लेकिन एक लिमिट पे। वो आपको ये जरूर कहती होगी कि पता है उस लड़के से मेरी भेंट हुई थी, मेरी बात हुई थी, थोड़ा बहुत जेलस करवाने का। अब ऐसा नहीं कि वो उसके साथ वो बहुत देर बात की वो आपको बता रही है। अगर वो बहुत देर बात की और आपको बता रही है तो ऐसा नहीं है कि उसके दिल में आपको, अगर थोड़ा बात की आपको जेलस दिखाने के लिए तो आप समझ सकते हो, लेकिन अगर आपके उसके दिल में आपके लिए प्यार है तो क्यों किसी से बहुत देर तक बात करेगी। नंबर फोर्थ चीज़ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी आपके बारे में बात करती है, ठीक है। तो उसके फ्रेंड्स का बिहेवियर आप देख सकते हो कि वो आपसे किस तरह से बात करते हैं, उन्हें भी पता है कुछ, उन्हें क्योंकि गर्ल्स अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को ये सारी बातें बताती है, तो उन्हें ये सारी बातें पता है या नहीं पता है, ये चीज़ भी आप देख सकते हो। नंबर फिफ्थ पॉइंट, दोस्तों आप इस चीज़ को भी नोटिस कर सकते हो कि आप अगर उसे बात नहीं कर रहे हो तो क्या वो आपको मिस कर रही है। ऐसा है क्या कि जब आपकी उससे बात नहीं होती या फिर आप बिज़ी हो जाते हो तो उसे गुस्सा आता है आपके ऊपर, वो आपसे बात करना चाहती है? ये भी एक पॉइंट है ये समझने के लिए कि वो आपको पसंद करती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, ये चीज़ को ना बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना। ऐसा है कि वो हर सोशल मीडिया साइट पे आपको फॉलो करके देखिए कि आप क्या, फिर हर सोशल मीडिया साइट पे ऐसा है कि आप उसकी फ्रेंड हो और वो सारी पोस्ट जो लगाती है कुछ इस तरह का जिससे आपके बारे में कुछ पता हो, या फिर जैसे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाई है तो अगर उसका मूड जिस तरह से वो शेयर की कि मेरा मूड बहुत अच्छा है, उस तरह का स्टेटस लगाई है, इस चीज़ से भी आप समझ सकते हो। दोस्तों देखो, बहुत सारे बिहेवियर है, छोटा छोटा बिहेवियर जिससे आप समझ सकते हो कि वो आपको प्यार करती है या नहीं करती। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए सबसे अच्छा आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि आप एक बार उसे जेलस करवाओ, आप किसी और से बात करो और फिर वो बात आप उसे बताओ, क्या वो जेलस हो रही है। अगर वो जेलस नहीं हो रही है तो वो आपको बस फ्रेंड मानती है, और अगर वो जेलस हो रही है किसी और से आपके बात करने पर तो उसके दिल में भी ना आपके लिए कुछ फीलिंग्स है और इसीलिए वो जेलस हो रही है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप समझ सकते हो कि वो आपको प्यार करती है या नहीं करती है बिना कहे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो, ये मेरा सोशल मीडिया साइट है, आप चाहो तो फॉलो या विजिट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में। आप अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना।